हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक DIY, और आज के DIY में हम बनाएंगे एक आउटडोर सिटिंग चेयर। तो इस चेयर को आप अपने आउटडोर स्पेस या फिर बालकनी में यूज़ कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही रफ़ एंड टफ़ एंड बहुत ही सस्ते में बनने वाली है। तो इस DIY को करने के लिए हमें मुश्किल से 250 या 300 रुपये खर्च होंगे, और उसमें हम एक बहुत ही अच्छी चेयर बनाएंगे जो कि हम अपनी बालकनी में रख सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं अपनी एक बालकनी में बैठी हुई हूँ। तो ये जो बालकनी है ये मेरे मास्टर बेडरूम से अटैच्ड है, और ये है, ये इस वाली बालकनी का अभी हमने कुछ भी मेकओवर नहीं किया है। थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, बट एक मैंने इसका एक फुल मेकओवर प्लान किया है, जो कि जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इससे पहले मैंने अपनी दो और बालकनी है जिनका मेकओवर किया हुआ है, और अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उन्हें भी ज़रूर चेक करिएगा। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं होम डेकोर, DIY और रेसिपीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इस DIY चेयर को बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको चाहिए टायर्स, तो दो टायर्स। अगर आपको एक चेयर बनानी है उसके लिए आपको दो टायर्स चाहिए। तो ये जो टायर्स हैं ये हमें ईज़िली किसी भी लोकल पंचर शॉप्स में मिल जाती हैं। तो हमने ये अपने अपनी सोसाइटी के पास एक लोकल पंचर शॉप से ख़रीदी थी, तो ये हमें 50 रुपीज़ ईच पड़ी ये टायर। और उसके बाद हमें एक टायर का जो साइज़ है वो लेके, डायमीटर लेके आपको कार्डबोर्ड कटवाना होगा, एंड फिर उसके ऊपर आपको फोम की सिटिंग बनवानी होगी। तो ये हमने एक कारपेंटर, जो हमारा कारपेंटर है, ये हमने उससे ही करवा लिया था। तो ये सिटिंग बनाने में हमें कुछ 200 रुपीज़ लगी। तो सबसे पहले आप टायर परचेस कर लेंगे, उसके बाद आप अपने घर पे लाके टायर को अच्छे से क्लीन कर लें, बिकॉज उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई होती है। तो अच्छे से क्लीन कर लें टायर को, एंड फिर उसको एक दिन के लिए पूरा सूखने दें। एंड जब एक दिन पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए टायर, उसके बाद आप उसको पेंट करें। एंड पेंट करने के लिए आप पहले प्रॉपरली पेपर वगैरह बिछा लें, बिकॉज जो पेंट है वो इधर उधर लग जाएगा, इसलिए आप प्रॉपर अच्छी तरीके से पेपर बिछा के फिर आप पेंट यूज़ करें। तो पेंट आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, इधर ऑयल पेंट और वॉल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास तो वॉल पेंट बचा हुआ था, हमने वही यूज़ किया है, बट वो थोड़ा थिक था तो हमने उसमें पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट कर लिया। एंड फिर जब पेंटिंग कर रहे थे, तो एक्चुअली इसकी पेंटिंग मेरे हस्बैंड ने करी है। तो आपको पेंटिंग करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है कि आप एक साइड पेंट करें और फिर उसको पूरा छोड़ दें एक दिन के लिए, या फिर कम से कम 5 to 6 hours, जब तक वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हो जाता, और फिर उसको फ्लिप करके फिर दूसरी साइड पेंट करें। अगर आप एक ही बार में पूरा पेंट करना चाहेंगे तो जो टायर का सर्फेस है वो अगर पेपर से टच होगा तो टायर जो हमारा पेंट होता है वो वेट होता है, तो पेपर उसमें स्टिक हो जाता है, और फिर ड्राई होने के बाद आपके टायर में पेंट के साथ पेपर भी चिपक जाएगा। तो आप पेंटिंग करते वक्त ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। सो बस जब आपका पेंट हो जाए टायर और पूरी तरह ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ असेंबल करना है, एक के ऊपर एक टायर रखना है, और आपको अपनी ये वुडन जो आप कार्डबोर्ड बनवा के लाए हैं वो रखना है, और उसको थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए आप कुशन से डेकोरेट कर सकते हैं।
तो देखिए अब जो हमारा टायर है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, तो इसको अब हम असेंबल करेंगे। और जो मैं आपको बता रही थी ये प्लाई बोर्ड है, तो इस पर हमने ये कुशन फोम लगवा के, और ये हमने रैगजीन सेलेक्ट करी थी वहीं शॉप पे, और हमने रैगजीन लगवाया बिकॉज हम इसको आउटडोर्स में रखने वाले हैं अपनी बालकनी में, तो अगर बारिश भी आएगी तो ये उससे कुछ ख़राब होने का डर नहीं है। तो आप भी अगर रैगजीन सेलेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप सिंपल और लो सीटिंग करना चाहते हैं तो आप एक टायर के ऊपर भी ये रख सकते हैं, बट मुझे थोड़ा हाइट चाहिए था इसलिए मैंने दो टायर लिया। और देखिए ऐसे टायर रखना है, उसके बाद यहाँ नीचे स्टोरेज भी बन जाता है, तो अगर आप चाहें अपने कुशन्स, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने कुशन्स इसमें रखें और ऐसे आपका ये सीटिंग बन गई, और जब आपको बैठना हो तो आप अपना कुशन्स निकालें यहाँ से और अपना यहाँ पे बैठ सकते हैं और आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इतना सुंदर सस्ता टिकाऊ है, और ये मूवेबल भी है, तो अगर आप कहीं चाहें तो उसे मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि कहीं आपको किसी दूसरी बालकनी में ले जाना है या फिर आपके घर में कुछ गेस्ट आए हैं और सीटिंग कम पड़ रही है तो आप इसको मूव कर सकते हैं वहाँ भी। और मैंने तो हाइट के लिए दो रखे थे, आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं, आप ऐसा दो बनवा लें कार्डबोर्ड एंड उसके बाद आप इसको एज अ टू सीटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपने रिव्यूज शेयर करें, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी एंड यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट, सो यू कैन शेयर योर सजेशंस ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।